नमस्कार एंड वेलकम टू आवर शो छत पर बागवानी। हम अपने प्लांट्स की हेल्थ को, उनकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए कितना कुछ करते हैं ना, जैसे उनमें अच्छी से अच्छी खाद डालना, अनवांटेड प्लांट्स को पॉट से निकालना वगैरह वगैरह। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बॉन्साई प्लांट्स में आपको किस तरह की सॉइल यूज़ करनी चाहिए और साथ ही उन्हें डिफरेंट शेप्स देने के लिए उनमें वायरिंग किस तरह करनी चाहिए। बॉन्साई ऐसी कला है जो कहीं पे भी किया जा सकता है। बाहर है वैसे ये आउटडोर, बिल्कुल ही बाहर आपने करना है, लेकिन आप अपनी छत पे भी कर सकते हैं, अपने बालकनीज में कर सकते हैं। छत पे तो बागबानी में इतना बढ़िया ये हो जाता है, क्योंकि वहाँ खुली हवा, खुला धूप, और इसे चाहिए वही, क्योंकि हम एक पेड़ को उगा रहे हैं तो छत के ऊपर ये बहुत बढ़िया चलता है। सबसे पहले हमने लिया मिट्टी। मिट्टी की महत्व इसलिए है, ये वो गार्डन सॉइल है जो आप ऊपर के 9 इंची की सतह से ही लेंगे, इससे गहरा नहीं जाएंगे। तो ये आपका गार्डन सॉइल है जिसमें प्रकृति ने अपने आप ही इतना सारा इसमें डाला हुआ है, पत्ती भी डाली हुई है और गोबर भी पड़ चुका है, इसमें हुमस बहुत है, तो ये वाली मिट्टी को ही आपने चुनना है। इसके बाद है आपके पत्ती की खाद। अब पत्ती का महत्व ये है कि पत्ती पानी को सोख भी लेता है और जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे वो देता भी रहता है पौधे को, और जो एक्स्ट्रा जो पानी है अगर पौधे में तो उसको वो निकाल के फेंक देता है। तो पत्ती से आपकी सॉइल की कंडीशनिंग होती है। वैसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पत्ती की खाद में नहीं होता है, बट उसका मेन काम यही है कि पानी को सोख ले और एक्स्ट्रा पानी को निकाल दे। इसके बाद सबसे ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स, वो आते हैं आपके गोबर की खाद में। अब क्योंकि हम बॉन्साई कर रहे हैं तो बॉन्साई में हम ये नहीं चाहते कि खाद बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि उससे एकदम से ग्रोथ में स्पर्ट आ जाता है। स्पर्ट हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि स्लो रिलीज़ हो खाद का और धीरे धीरे पौधा बढ़ता रहे अपने। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये गोबर की खाद कम से कम नहीं तो एक साल आपके गार्डन के किसी कोने में पड़ा रहे, जिसे प्रकृति ने हवा पानी सब से माइल्ड कर दिया हो, उसको सॉफ्ट कर दिया हो। तो गोबर की खाद हम इसलिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने बदरपुर इस्तेमाल किया है। बदरपुर वंस अगेन हमारे दिल्ली के आसपास ही आपको मिलेगा, लेकिन बदरपुर क्या करता है कि जो अगर आपकी मिट्टी थोड़ी चिपकी हो या चिकनी हो तो उसमें एयर स्पेसेस इंट्रोड्यूस करता है, जिससे पौधे को ऑक्सीजन भी मिलता रहे और पानी भी मिलता रहे। और खंगर का चूरा उन पौधों में इस्तेमाल होता है जो पहाड़ के पौधे हों। आप देखते हैं पहाड़ में पौधा कितनी ऊंचाई पे लगा हुआ है, जब बारिश होती है तो पानी तो एक मिनट में निकल जाता है, तो ऐसे पौधे को पानी रुका हुआ नहीं पसंद है, तो इसलिए हम खंगर का चूरा उसमें डालते हैं। और आखिरी में ईंट के और ये गमले के टूटे हुए ठीकरे हमने इस्तेमाल किए, ये बेस में ही लगते हैं, और आपके जो गमला है उसके बेस में आप अच्छी ठीकरियाँ लगाएं तो फिर आपकी जड़ें अच्छी तरह फैलती भी हैं और पानी कभी भी नहीं रुकता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मिक्सचर बनाना है। पहले आप एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, एक हिस्सा पत्ती की खाद और एक हिस्सा गोबर की खाद। इन तीनों का मिश्रण बनाइए। अब ये आपका हो गया बेस मिक्सचर। इसमें आप 8 हिस्से बनाएंगे और 8 हिस्सों में एक हिस्सा बदरपुर डालेंगे।
यदि आपने पहाड़ों के पौधों को लिया या रेगिस्तान के पौधों को लिया तो उनको कम पानी चाहिए, तो उसके फिर आप ये मिश्रण के सिर्फ 6 हिस्से बांटेंगे और उसमें एक हिस्सा आप बदरपुर का डालेंगे और एक हिस्सा आप खंगर के चूरे का डालेंगे। इस तरह से आपका परफेक्ट बॉन्ज़ाई मिक्सचर अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग बनेगा। यदि आपका फ्लावरिंग या फ्रूटिंग बॉन्ज़ाई हो तो उसके लिए हम थोड़ी सी बोन मील और थोड़ा सा नीम खली भी ऐड कर सकते हैं। नीम खली वैसे भी साधारण तौर पे अगर आप इस्तेमाल कर लें अपने सब फ्लावरिंग और वैसे नॉर्मल प्लांट्स के लिए भी, तो वो एक तरह का कीटनाशक भी है। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 से 7 तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात, हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जब हम एक बॉन्ज़ाई बनाना शुरू करते हैं तब हमें मटेरियल चाहिए। सबसे पहले तो प्लांट चाहिए, उसके बाद उसी के अनुसार उसकी सॉइल चाहिए और फिर कौन से प्लांट का क्या स्टाइल होगा उसके अनुसार हमें पॉट चाहिए। तो ये सब देखते हुए हमें सबसे पहले जो एक्सपीरियंस बताता है, ऐसा पौधा चूज़ करना चाहिए जिसके पत्ते छोटे हों या छोटे हो सकते हों, क्योंकि ये वाला जो चाइनीज़ एल्म है इसको जैसे जैसे हम ट्रेन करते जाते हैं इसकी पत्तियाँ छोटी से छोटी होती जाती, ऐसे पौधे चूज़ करने चाहिए। और वो वाले जिनके फल या फूल दोनों ही छोटे हों। अगर आप देखोगे कि बहुत बड़ा सा कटहल का आपने ले लिया पौधा, तो वो उसका फल जब बड़ा सा लटकेगा, फल छोटा नहीं होता है, फूल भी बहुत कम ही छोटा होता है। तो अगर आप बड़े फल वाला कटहल जैसे पौधे को आप चूज़ करोगे तो बाद में उसमें जो आपको एक बैलेंस चाहिए पौधे में, एक संतुलन चाहिए, वो बिगड़ जाएगा जैसे ही फ्रूट उसमें लटकेगा। या फिर आपने कोई बहुत बड़े फूल वाला भी ले लिया तो फूल जब खिलेगा उसमें कितनी भी 50% भी छोटा हो जाएगा फिर भी वो बड़ा रहेगा। तो ऐसे पौधों की चॉइस नहीं हो सकती। कुछ पौधे ऐसे हैं जो हम को बहुत मन करता है कि हम उनको ग्रो करें, जैसे गुलमोहर है, लेकिन यही देखा गया कि गुलमोहर के कंपाउंड लीव्स हैं, कंपाउंड लीव्स इतनी छोटी नहीं होती हैं, सिवाय एक प्लांट के जो जिसे हम कहते हैं रेन ट्री, वो छोटा हो जाता है, इमली छोटी हो सकती है। बट चॉइस ऐसे रखना चाहिए कि हमें शुरुआत से ही पौधे का जो पत्ता है वो छोटा रहे, फूल छोटा रहे और फल छोटा रहे। अब आप पौधा लेने जाएंगे तो या तो आप ख़रीद सकते हैं एक रॉ मटेरियल,
या फिर आप खुद भी बना सकते हैं, आप बीज से बना सकते हैं, कटिंग से बना सकते हैं, या फिर आप एयर लेयरिंग करिए, गुट्टी बांधिए, उससे भी आप अपने खुद के पौधे तैयार कर सकते हैं। लेकिन कभी हमें कोई अच्छा सा मटेरियल बाहर भी मिल जाता है तो हम क्या देख के उसे लेंगे? सबसे पहले पौधा स्वस्थ रहे। स्वस्थ होने के अलावा इसमें ना किसी तरह की कोई और बीमारी हो या इसकी जड़ें नीचे ना निकली हों, क्योंकि अगर ये नर्सरी में जड़ें इसकी नीचे हैं और ये खूब पनप रहा है वहाँ पे, जैसे ही आप इसको निकालेंगे मिट्टी से तो इसकी कुछ कुछ शाखें सूख के गिर जाएंगी, तो हो सकता है वो आपकी ज़रूरी शाखें हों। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रख के फिर आप चॉइस करिए, अच्छा सा एक पौधा चूज़ करिए। अब हम ले आए हैं अपना प्री बॉन्ज़ाई मटेरियल। अब इस बॉन्ज़ाई मटेरियल में हमें खास कर ये देखना है कि इसमें टेपर हो, सो नीचे चौड़ा और आगे चलते 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 ये पतला हो जाना चाहिए। ये टेपर बहुत ज़रूरी है। अगर पौधे में शुरू से ही ये टेपर ना हो तो बाद में ये नहीं आएगा। तो इसको देखते हुए हमने ये प्लांट जैसे चूज़ किया है, तो इसमें ध्यान हमने सबसे पहले ये देना है कि इसकी फ्लो कैसे जा रही है। प्लांट में एक फ़्लो होना चाहिए, टेपर के अलावा इसमें घुमाव होना चाहिए, इसमें उसकी ब्यूटी होती है। तो इसको आप एक अच्छी तरह से व्यू करिए, जिसे हम कहते हैं व्यूइंग एंगल। सो जैसे हमने घुमा के इसको हर तरफ से देखा तो ये बहुत ही सुंदर फ्लो है इसमें, और इसके कई स्टाइल्स बन सकते हैं। सो अब कौन सा स्टाइल बनेगा ये देखने के लिए हमें सबसे पहले इसकी सारी पत्तियाँ निकालनी पड़ेंगी। जब आप सारी पत्तियाँ निकाल देंगे तब आपको और भी इसके शेप की क्लैरिटी मिल जाएगी। आप डरिएगा मत, इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम कर भी ये काम रहे हैं जब इसकी ग्रोइंग पीरियड है। ये इस बात का खास ध्यान रखना है कि बॉन्ज़ाई तभी बनेगा जब उस प्लांट की ग्रोइंग पीरियड हो। और अक्सर हम देखते हैं मोस्टली हमारे जो सीजन्स हैं वो एक तो मॉनसून्स हैं और एक बाहर के टाइम में फेब्रवरी मार्च, ये दोनों पीरियड ग्रोइंग के लिए बहुत ही सूटेबल हैं। जो पहाड़ के पेड़ हैं उनको हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ही उनके साथ काम करते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रोग्राम छत पर बागवानी। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। तो आइए एक बार कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाएं। अब आपने देखा कि हमने सारे पत्ते निकाल दिए हैं और शाखों को एकदम क्लीन कर दिया है, लेकिन थोड़े से पत्ते हमने ऊपर के छोड़े हुए हैं इन ब्रांचेस में भी इसमें, क्योंकि सारे पत्ते निकालने से पौधा शॉक में चला जाएगा।
अभी इसके पास कम से कम इतने पत्ते हैं कि यह अपना फूड बना सके। तो अब इसको देखते हुए अब इसकी क्लैरिटी हमको आ रही है कि इसमें क्या शेप्स निकल सकती हैं। थोड़े से जो अन एक्स्ट्रा वाले ब्रांचेस हैं इनको आप काट के और भी क्लीन करके देख सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से इसकी घुमाव बहुत बढ़िया है। ये भी हम इनफॉर्मल अपराइट कर सकते हैं। अगर हम स्लांटिंग करना चाहें तो इस हिसाब से भी देख लीजिए, यहाँ से भी आपकी स्लांटिंग फॉर्म हो सकती है। सिवाय ये है कि ये आपका बैक ब्रांच बहुत मोटा है और अब बहुत टाइट भी है, इसको बेंड करना बहुत मुश्किल होगा। सो हम इसको छोटा भी काट के फिर नए इसमें से जो ग्रोथ आएगी उनको लेके उनसे डेवलप कर सकते हैं बैक ब्रांच। अगर आप कैस्केड करना चाहते हैं तो फिर आपको ये सारा काट के बस इसको ले लीजिए, इस वाले को लेके इसको आप कैस्केड करवा सकते हैं, या फिर आप इस ब्रांच को लेके भी आप इसको कैस्केड कर सकते हैं। सो सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। इसमें इनफॉर्मल अपराइट है, स्लांटिंग स्टाइल है और कैस्केड भी हो सकता है। तो इसको चॉइस हम कैसे करें, आपको क्या चूज़ करना है कि इसकी व्यूइंग एंगल सबसे सुंदर कहाँ लग रहा है। मेरे हिसाब से ये एंगल बहुत अच्छा है। यदि आप देखें तो ये आपका इनफॉर्मल अपराइट में एपेक्स यहाँ चला जाएगा, ये आपके लोअर मोस्ट ब्रांच है, ये कॉम्पेंसेटरी ब्रांच, फिर आपकी और भी ब्रांचेज आ गई। बैक ब्रांच मोटा है तो इसलिए इस बैक ब्रांच को हम थोड़ा सा छोटा काट देंगे, ये मोटे मोटे ब्रांचेस को छोटे काट देंगे ताकि इसमें से जो नया ग्रोथ निकलेगा उस ग्रोथ को लेके हम डेवलप कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं, इसे हम इनफॉर्मल अपराइट बना रहे हैं। सबसे पहले ये पतले पतले ब्रांचेस को हम छोटा करेंगे ताकि ये हमारे रास्ते में ना आए और अड़े नहीं। नीचे को जो ब्रांचेस झुक रही हैं उनको काट दीजिए और बहुत स्ट्रेट जो ब्रांचेस जा रही हैं उन्हें भी काट देंगे। ये आपका व्यूइंग एंगल है। अब आपका ट्रंक लाइन न्यू कर्व हो गए, ये आपका एपेक्स है। बैक ब्रांच को हमने छोटा कर दिया, लेफ्ट और राइट वाली ब्रांचेस को हमने छोटी कर दिए। इनमें जो एक्स्ट्रा छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इनको हम काट देते हैं ताकि ये कोई भी इंटरसेक्ट ना करें। अब आप देख सकते हैं कि ये एक इनफॉर्मल अपराइट बन गया है, इसका फ्रेमवर्क है। जैसे ही आपको ये व्यूइंग एंगल अच्छा लगे वहाँ पे आप एक तार को लेके उसे यू टर्न लेके ऐसे वाले तार को उसके सामने रख दीजिए, क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे जैसे पौधा ग्रो होता रहता है तो उसकी भी शेप बदलती जाती है, तो हम भी भूल जाते हैं कि फ्रंट कौन सा है। सो अपने को याद रखने के लिए ये फ्रंट हम इसमें तार घुसा देते हैं। सो एवरी टाइम इसको आके हम लोग प्रूनिंग करें, शेपिंग करें, तो ये आपका बढ़िया सा प्लांट बन जाएगा। अब हम इससे थिनर वायर लेते हैं और दो ब्रांचेस को वायर करके एक साथ दिखाते हैं। यहाँ पर बोथ ये मेरे लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में ऑलरेडी कर्वेचर है, ऑलरेडी ये काफ़ी कुछ बेंड हो चुके हैं, लेकिन बैक ब्रांचेस में थोड़ा सा मेरे को घुमाव चाहिए। सो इसलिए बैक ब्रांचेस में दो ब्रांचेस को इन दोनों को साथ से वायर करके इनको मैं सेपरेट कर दूँ। टाइटली वायर करते हुए घुमाते हुए इसको ले जाना है और यहाँ पर आप इसको छोड़ दीजिए।
ये जो है ये वाला बैंड बहुत क्लोज होना चाहिए आपके ब्रांच के साथ। अब इसको आप इनके एंड्स को काट दीजिए और जितना पास से आप काट सकते हैं उतने पास से, नहीं तो ये आपको चोट पहुंचा सकता है। अब आप देखते हैं वायरिंग से हमारी ब्रांचेस हम कहीं भी इनको मोड़ सकते हैं। अब हमने इसकी वायरिंग कंप्लीट कर दी है। आप देख सकते हैं कि ये इनफॉर्मल अपराइट का शेप लेके चल रहा है। अब वायरिंग के फौरन बाद ही आप प्लांटिंग ना करिए, क्योंकि इसके प्लांट को काफ़ी शॉक लगता है वायरिंग से भी। और एक फ़ायदा ये भी है कि जहाँ जहाँ से हमने वायर किया और उसको बेंड किया, वहीं वहीं से आप देखेंगे फाइबर्स टूट के वहीं प्लांट अपना सारा एनर्जी फेंकेगा और वहीं से खूब सारे आपके ब्रांचेस निकल आएंगी। सो वायरिंग के ये फ़ायदे हैं। लेकिन थोड़ा सा प्लांट को रिलीफ दीजिए फॉर 2 to 3 weeks, उसके बाद आप इसको बॉन्साई पॉट में रख सकते हैं। तो देखिए आपके बॉन्साई भी बिल्कुल इसी तरह बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने उनकी केयर नहीं की तो वो खराब भी हो सकते हैं। अब आपने उनकी देखभाल किस तरह करनी है वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा अगला एपिसोड। तो देखना न भूलें छत पर बागवानी अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।